ओम श्री मातृ नमः। आज हम बात करेंगे पुराणों के बारे में, 18 पुराणों के नाम एवं उनके महत्व। पुराण जो शब्द है वह पुरा एवं अण दो शब्दों की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुराना, पुराना अर्थात प्राचीन। पुरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत, अण शब्द का अर्थ है कहना या बतलाना, अर्थात जो पुरातन अथवा अतीत के तथ्यों, सिद्धांतों, शिक्षाओं, नीतियों, नियमों और घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करे वह पुराण है। माना जाता है कि सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ की रचना की उसे पुराण के नाम से जाना जाता है। पुराण विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। उनमें लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक, अमूल्य एवं मानव सभ्यता की आधारशिला है। पुराणों का विषय नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, विज्ञान, ये बहुत सारे विषय पुराणों में मिलते हैं। महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश उन पुराणों के मुख्य देव हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। आइए जानते हैं 18 पुराणों के बारे में। 18 पुराणों में सबसे पहले आता है ब्रह्म पुराण, इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। इस पुराण में 246 अध्याय हैं तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की महानता के बारे में, सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा का अवतरण, रामायण और कृष्ण अवतार की कथाएं हैं। इस ग्रंथ में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी की सभ्यता तक की कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है, जिनके नाम सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तर खंड, भूमि खंड तथा पाताल खंड हैं। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति का भी यहाँ वर्णन मिलता है। यहाँ 4 प्रकार के जो जीव हैं, उद्भज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, ये 4 विभिन्न श्रेणियां हैं। यह वर्गीकरण पूर्णतः वैज्ञानिक है। भारत के सभी पर्वत, नदियों के बारे में विस्तार से पद्म पुराण में वर्णन मिलता है। इसी पुराण में शकुंतला, दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप से भरतखंड और पश्चात भारत पड़ा, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरे पुराण विष्णु पुराण के बारे में। विष्णु पुराण में 6 अंश हैं, 23,000 श्लोक हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु, बालक, ध्रुव और कृष्णावतार की कथाएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु की कथा भी यहाँ मिलती हैं, जिसके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। इस पुराण में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास है। भारत की राष्ट्रीय पहचान सदियों पुरानी है, जिसका प्रमाण विष्णु पुराण के निम्नलिखित श्लोक से मिलता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम् वर्षम् तद् भारतम् नाम भारती यत्र संतति।
इसका अर्थ है भौगोलिक क्षेत्र से जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में सागर से घिरा हुआ है, भारत देश है तथा उसमें निवास करने वाले सभी जन भारत की संतान हैं, भारतीय कहलाते हैं। इसके बाद चौथा पुराण है शिव पुराण। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन है और उनका महत्व बताया है। सप्ताह के दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों तथा काम पर विजय पाने के संबंध में वर्णन मिलता है। इस पुराण में और भी बहुत सारी घटनाएं बताई गई हैं। इसके बाद आता है पांचवां भागवत पुराण। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं तथा 12 स्कंद हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। विष्णु और कृष्ण अवतार की कथाओं के अतिरिक्त महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं, ऋषि मुनियों तथा असुरों की कथाएं भी यहाँ संकलित हैं। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण जी का देह त्याग, द्वारिका नगरी के जलमग्न होने और यदुवंशियों के नाश तक का विवरण दिया गया है। फिर छठा पुराण है नारद पुराण। नारद पुराण में 15,000 श्लोक हैं तथा इसके 2 भाग हैं। इस ग्रंथ में सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात के कर्म आदि के विधान हैं। गंगा अवतरण की कथा भी यहाँ विस्तार से प्राप्त होती है। दूसरे भाग में संगीत के सातों स्वरों के बारे में बताया गया है। यहाँ शुद्ध एवं कूट तानों और स्वर मंडल का ज्ञान भी मिलता है। संगीत पद्धति का आज भी भारतीय संस्कृति में जो महत्व है, संगीत पाश्चात्य संगीत जो पाश्चात्य संगीत की चकाचौंध से चकित हो जाते हैं, उनके लिए उल्लेखनीय तथ्य यह है कि नारद पुराण की कई शताब्दी पश्चात तक भी पाश्चात्य संगीत में केवल 5 स्वर ही होते थे तथा संगीत की थ्योरी का विकास शून्य के बराबर था। मूर्छनाओं के आधार पर ही पाश्चात्य संगीत के स्केल बने हैं। तो संगीत का नारद पुराण से बड़ा संबंध है। संगीत के बारे में काफ़ी विस्तार से यहाँ मिलता है, तो ये नारद पुराण की विशेषता है। इसके बाद फिर चलते हैं मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण अन्य पुराणों से छोटा है। इसमें केवल 9,000 श्लोक हैं और 137 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय, योग के विषय में ऋषि मार्कंडेय तथा जैमिनी के मध्य हुई वार्तालाप, इसके अतिरिक्त भगवती दुर्गा तथा श्री कृष्ण से जुड़ी कई कथाएं भी यहाँ मिलती हैं। आठवां पुराण अग्नि पुराण है, जिसमें 383 अध्याय हैं और 15,000 श्लोक हैं। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश भी कह सकते हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार, रामायण, महाभारत की संक्षिप्त कथाएं भी संकलित हैं। इसके अतिरिक्त कई विषयों पर वार्तालाप है, जिसमें धनुर्वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद आदि मुख्य हैं। फिर भविष्य पुराण 9वां पुराण है। इसमें 121 अध्याय हैं तथा 2,800 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक विधानों आदि की कई विषयों पर वार्तालाप है। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष दंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। इस पुराण की कई कथाओं में
पुराने राजवंशों के बारे में। इसके अतिरिक्त भविष्य में आने वाले वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी, महारानी विक्टोरिया तक का वृत्तांत दिया गया है। ईसा के भारत आगमन तथा मोहम्मद और कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र भी इस पुराण में किया गया है। इसके अतिरिक्त विक्रम बेताल तथा बेताल पच्चीसी की कथाओं का विवरण भी मिलता है। सत्यनारायण भगवान की कथा का भी वर्णन इसी पुराण में मिलता है। इसके बाद ब्रह्म वैवर्त पुराण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं, 218 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती और कृष्ण की मानता को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी कथाओं का यहाँ संकलन मिलता है। इस पुराण में आयुर्वेदिक संबंधी ज्ञान की भी उपलब्धता देखने को मिलती है। इसके बाद आता है लिंग पुराण। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं तथा 163 अध्याय हैं। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग, कल्प आदि की तालिका का यहाँ वर्णन मिलता है। राजा अम्बरीश की कथा भी इस पुराण में लिखित है। इस पुराण में अघोर मंत्र तथा अघोर विद्या के संबंध में भी उल्लेख पाया जाता है। फिर उसके बाद है वाराह पुराण। वाराह पुराण में 217 स्कंद हैं तथा 10,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में वराह अवतार की कथा के अतिरिक्त भागवत गीता महात्म्य का भी विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इसी पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का वर्णन भी दिया गया है। श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन में विचरने, अमावस्या और पूर्णिमा के कारणों का वर्णन है। महत्व की बात यह है कि जो भौगोलिक और खगोलिक तथ्य इस पुराण में संकलित है, वही तथ्य पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों को 15वीं शताब्दी के बाद ही पता चले हैं। इसके बाद आता है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण अपने आप में बड़ा विशाल पुराण है। इसमें 81,000 श्लोक हैं तथा 6 खंड हैं। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन है, जिसमें 27 नक्षत्रों, 28 नदियों, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन और गंगा अवतरण का आख्यान शामिल है। इसी पुराण में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला तथा कन्याकुमारी के मंदिरों का वर्णन भी मिलता है। इसी पुराण में सोमदेव, तारा तथा उनके पुत्र बुध ग्रह की उत्पत्ति की अलंकारमय कथा भी उपलब्ध है। फिर आता है 14वां वामन पुराण। वामन पुराण में 95 अध्याय हैं और 10,000 श्लोक तथा 2 खंड हैं। इस पुराण का केवल प्रथम खंड ही उपलब्ध है। इस पुराण में वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है। भरूच, कच्छ माने गुजरात में हुआ है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में सृष्टि, जम्बूद्वीप तथा 7 द्वीपों की उत्पत्ति, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, महत्वपूर्ण पर्वतों और नदियों तथा भारत के खंडों का जिक्र है। 15वां पुराण आता है कुरुम पुराण। कुरुम पुराण में 18,000 श्लोक हैं तथा 4 खंड हैं। इस पुराण में 4 वेदों का सार संक्षिप्त रूप में दिया गया है। कुरुम पुराण में कुरुम अवतार के संबंधित सागर मंथन की कथा विस्तार पूर्वक लिखी गई है। इसमें ब्रह्मा, शिव, विष्णु, पृथ्वी, गंगा की उत्पत्ति, चारों युगों, मानव जीवन के 4 आश्रमों, चंद्रवंशी राजाओं का भी वर्णन मिलता है। 16वां पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में 290 अध्याय हैं, 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों, चारों युगों तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास वर्णन है। कच्छ, देवयानी, शर्मिष्ठा तथा राजा याति की रोचक कथा भी इसी पुराण में मिलती है। 17वां पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय हैं तथा 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84,00,000 योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है।
इस पुराण में कई सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। साधारण लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ को किसी परिचित की मृत्यु होने के पश्चात पढ़वाया जाता है। वास्तव में इस पुराण में मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म होने पर गर्भ में स्थित भ्रूण की वैज्ञानिक अवस्था सांकेतिक रूप से बखान की गई है, जिसे वैतरणी नदी आदि की संज्ञा दी गई है। समस्त यूरोप में उस समय तक भ्रूण के विकास के बारे में कोई जानकारी वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी जब यह पुराण लिखा गया था। इसके बाद 18वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण के तीन भाग मिलते हैं, पूर्व, उत्तर, मध्य। मान्यता है कि अध्यात्म रामायण से पहले ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश थी, जो अभी एक पृथक ग्रंथ है। इसके चार पाद हैं, प्रक्रिया, अनुसंग, उपोदघात तथा उपसंहार। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास यहाँ संकलित है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेकर अभी तक के सात मनुअंतर जो काल हैं बीत चुके हैं, जिनका विस्तारित वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। परशुराम की कथा भी ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत ही आती है। तो ये सारे पुराण हैं जिनके बारे में मैंने 18 पुराणों के बारे में आपको बताया। आशा करता हूँ कि इन पुराणों की जानकारी बहुत संक्षेप में मैंने दी है, आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। इसी आशा के साथ ओम श्री मातृ नमः।